जय हिंद, मैं अंजू मोदनवाल और आप देख रहे हैं वीसी खबर। आज वीसी खबर के स्टूडियो में मेरे साथ हैं डॉक्टर नारायण मूर्ति ओझा उर्फ मुन्ना, उपाध्यक्ष जिला कांग्रेस कमेटी चंदौली, जो कि कांग्रेस पार्टी से विधानसभा 380 मुगलसराय से दावेदारी कर रहे हैं। तो नारायण मूर्ति ओझा जी, आपका स्वागत है वीसी खबर के स्टूडियो में। मेरे आपसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आप विधानसभा 380 मुगलसराय से दावेदारी कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सा दावेदार आपको तगड़ी प्रतिस्पर्धा दे सकता है? देखिए, उसमें कोई तगड़ी प्रतिस्पर्धा देने जैसा कोई सवाल नहीं है। सब पार्टी के वर्कर हैं, सबका हक है टिकट मांगना, सबने मांगा है, हाईकमान जिसको दे देगा हम सब लोग मिलकर उसको लड़ाएंगे। उसमें प्रतिस्पर्धा की टिकट में कोई बात नहीं, सब लोगों की अपनी भाई राजनीति करते हैं तो सबकी महत्वाकांक्षा है चुनाव लड़ना जी। तो सब लोग अपना अपना मांगे हैं, जिस पे पार्टी हाईकमान विश्वास जता देगा, जो समीकरण बैठा देगा, उसके हिसाब से हम लोग पार्टी का काम करें। अच्छा, क्षेत्र की बात कर लेते हैं। रोडवेज को लेकर पब्लिक में काफ़ी चर्चा रहती है, मुगलसराय रेलवे स्टेशन की बात की जाए तो काफ़ी बदलाव देखने को मिला है और चीज़ें डेवलप्ड हुई हैं। वही रोडवेज की बात कर ले तो उसकी दुर्दशा है, लोग खासा नाराज़ हैं उस चीज़ को लेकर कि उसका विकास नहीं है, और ठीक रेलवे स्टेशन से ही सटे रोडवेज का विकास नहीं है, उस पर आपका क्या कहना है? मैडम, ये देखिए, चंदौली जनपद को बने कई साल हो गए जी, और अभी जनपद की जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, वो चाहे सपा की सरकार रही या जिसने जिला बनाया बसपा ने उसकी सरकार रही, चाहे ये डबल इंजन की सरकार चल रही है जो अपने को विकास परक सरकार कहती है, इसी सरकार में आपको पता होगा कि रोडवेज डिपो का शिलान्यास हुआ था कटशिला नहर पे, आज तक उस पर एक ईंट नहीं रखी गई। मुगलसराय की जो आप रोडवेज की बात कर रहे हैं, वो एक मिनी डिपो था, वहाँ हम लोग जब छोटे थे तो कभी बनारस जाते थे तो वहाँ से बस बेनिया तक जाती थी हर 10 मिनट पे जी। और बहुत अच्छी ट्रेवलिंग थी, लेकिन आज सब बंद हो गई। चंदौली डिपो की बसें संचालित होती हैं कहाँ से? बनारस से। और यहाँ की जो बसें भी मिली है ना, छोटी वाली, वो भी खटारा हैं, जिस पर पब्लिक बैठ नहीं सकती, और एक घंटे में एक बस आती है जो ट्रेवलिंग के लिए उपयुक्त नहीं है, उपयोगी नहीं है। इसलिए रोडवेज की तो बात इस सरकार में शिलान्यास के बाद भी उस पर काम नहीं हुआ, और यहाँ के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं, माननीय विधायक जी हैं, जो लोकप्रिय, भाजपा में तीन शब्द है, लोकप्रिय, यशस्वी और विकास पुरुष, ये तीन शब्द भाजपा का अपना ईजाद किया हुआ है, लेकिन आप तो घूम रहे हैं, आप देखो ना कहाँ विकास है चंदौली में। सड़क देख लो, नहर देख लो, अस्पताल देख लो, रोडवेज देख लो, रेल देख लो, आपने भी रेलवे स्टेशन की बात किया है जी। पंडित कमलापत त्रिपाठी जी ने शिद्दत से मुगलसराय के रेलवे स्टेशन को बनाया, लेकिन कोई तामझाम नहीं, सिर्फ उस स्टेशन का नाम बदलने में 2 से 4 करोड़ रुपया खर्च हो गया और बाहर का स्ट्रक्चर बदलने में। अब आप जो प्लेटफार्म पे पत्थर लगे हैं, जो भी 6 महीने 1 साल के हैं, उसको जाके देखिए, टूट रहे हैं अंदर जो मुजैक वगैरह लगे, भ्रष्टाचार चरमोत्कर्ष पे है। स्टेशन के ठीक सामने आइए, एक पार्क बना है, पार्क की दुर्दशा देख लीजिए, एक दिन वहाँ डिबेट हो रहा था, एकदम उसकी दुर्व्यवस्था देख लीजिए। तो कहने को सब है लेकिन होने को कुछ नहीं, जनता का कोई जिससे विकास का लाभ जनता को मिले, ऐसा सरोकार इस जनपद में कुछ नहीं। अच्छा, मुगलसराय में रिक्शा स्टैंड तो है, लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ऑटो भी काफ़ी मात्रा में देखने को मिल रही है और लोग उससे आ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, एक अच्छा साधन भी माना जा रहा है, उसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं है? आए दिन रिक्शे को जब भी देखिए तो प्रशासन की तरफ से लाठीचार्ज की जाती है, कोई एक सुनिश्चित व्यवस्था नहीं है जी। मुगलसराय शहर हमारे चंदौली जनपद का हृदय है और मुगलसराय विधानसभा का सबसे प्रमुख शहर है, वहाँ न ऑटो स्टैंड है, न रिक्शा स्टैंड है, न बस स्टैंड है, न मोटरसाइकिल की पार्किंग है, कोई पार्किंग नहीं। जबकि मेरे संज्ञान में है कि नगर पालिका परिषद मुगल सराय के पास तमाम खाली ज़मीनें हैं, तमाम ऐसी ज़मीनें जिन पे कब्जे हो गए हैं भूमाफियाओं पे, जिनको चिन्हित करके निकाला जा सकता है और उस पर हर तरह की पार्किंग और स्टैंड की व्यवस्था कराई जा सकती है, ताकि मुगलसराय में आप समझ लीजिए कि उस पार से इस पार आने में आपको 40 मिनट लगते हैं पर डे किसी समय, ये दुर्दशा है मुगलसराय का। उसके तरफ न प्रशासन का कोई ध्यान है, न यहाँ के जनप्रतिनिधियों का कोई ध्यान है।
अच्छा, मौजूदा सरकार को देखा जाए तो रोजगार को लेके कई तरह के प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं, इस विषय पर आपकी क्या राय है? जी मैडम, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। माननीय प्रधानमंत्री जी जब आए थे 14 में तो 2 करोड़ रोजगार देने की बात किया था, और अभी हमारे सीतारमण जी ने कहा कि हम 7 लाख देंगे। तो अपने डाटा से तो वो सरकार ही पीछे हो गई, तो कहाँ दी। कल मेरे नेता राहुल गांधी जी ने परसों सदन में कहा कि आपने तो सबको मार दिया, झूठी पीठ थपथपा रहे हो और देश में 2 देश बना रहे हो, अमीर का देश, गरीब का देश। आज गरीब के पास खाना नहीं, सामान्य वर्ग मिटता जा रहा है। और अगर लोग नहीं चेते, ये सरकार रिपीट हुई या ये सरकार रह गई, तो निश्चित मानिए लोगों के हाथ में कटोरा होगा या फर्जी विकास का दावा का पोल खुल जाएगा। राहुल गांधी का जो बयान है कि देश में ये 2 भारत बनाए जा रहे, इस पे बीजेपी का पलटवार है कि राहुल गांधी की मानसिकता जिन्ना राष्ट्र की है, इस पे आपका क्या? जी जी, एकदम सही कहा उन्होंने। राहुल गांधी ही जिन्ना की मजार पे जाके माला चढ़ाए थे ना, राहुल गांधी ही जाके नवाज शरीफ के घर साल भेंट करके आए थे, राहुल गांधी ही जाके वहाँ मछली और आम खा के आए थे ना। मेरे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी 10 साल में 1 बार भी पाकिस्तान नहीं गए और न जिन्ना का नाम लिया। जिन्ना की मजार पे कौन गया? भाजपा का शीर्ष नेतृत्व गया, माननीय आडवाणी जी गए। पाकिस्तान में बिना बुलाए कौन गया? ये हिंदू, फर्जी हिंदूवादी नरेंद्र मोदी गए, राहुल गांधी तो कभी नहीं गए। और राहुल गांधी और कांग्रेस सर्वधर्म संभाव की पार्टी है। हम मंदिर में भी जाते हैं, मस्जिद में भी जाते हैं, गुरुद्वारे में भी जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं। हमारे लिए सब धर्म समान है, सारे भगवान समान हैं। तो इसलिए जिन्ना, हम तो गांधीवादी लोग हैं, हमारे पास तो जिन्ना का कोई सवाल ही नहीं है। जिन्ना को जिंदा रखना भाजपा की मजबूरी है। जिन्ना और पाकिस्तान और मंदिर न रहे तो भाजपा के लोग कोई डिबेट नहीं कर सकते, कोई चुनाव नहीं लड़ सकते। आज ही मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ लीजिए, ठोंक दूंगा, ठंडा कर दूंगा, हमने राम को लाया, हम विश्वनाथ। अरे भाई, आपने रोजगार दिया, विकास किया, तो उस पर क्यों नहीं बात करते हो? बताओ ना, कहाँ रोजगार है, कहाँ विकास है, कहाँ बेरोजगारी खत्म हो गई, कहाँ महंगाई खत्म हो गई। सरसों का तेल 70 साल में 70 रुपया गया और 7 साल में 250 गया, ये विकास है इनका। जी, मेरा अगला प्रश्न आपसे, सपा मुखिया अखिलेश यादव काफ़ी तेजी से जनसंपर्क कर रहे हैं और जनता का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है, वहीं बीजेपी की बात करें तो उनके पास भी स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है, तो कांग्रेस का क्या सेटअप है, उनकी क्या तैयारियां हैं? हमारी तैयारी है, हमारी भी नेता देखिए कल डोर टू डोर घूमी है, जहां उनका अखिलेश से आमना सामना भी हुआ, हमारी नेता ने शिष्टाचार में उनका अभिवादन भी किया। ये शिष्टाचार है कांग्रेस का, और हमारी नेता को की लोकप्रियता बढ़ रही है, जन समर्थन बढ़ रहा है। हाँ, हम जाति की राजनीति नहीं करते, हम धर्म की राजनीति नहीं करते, इसलिए मौजूदा हालत में हम थोड़े कमजोर हुए। लेकिन हमारी नेता एक विजन लेके आई हैं, महिलाओं के लिए अलग, युवाओं के लिए अलग, बेरोजगारों के लिए अलग। हम उस विजन पे तैयारी कर रहे हैं, और उनके हर बड़े नेता से मेरा ब्लॉक का कांग्रेस का कार्यकर्ता ही मजबूत है। हम उस विजन पे और उसके बल पे ये चुनाव जीतने की बात करते हैं। अच्छा, चंदासी देखा जाए तो एशिया का सबसे बड़ा कोयला मंडी कहा जाता है, तो वहाँ की समस्या देखा जाए तो रेगुलर आने जाने वालों को जाम की समस्या, सड़क की समस्या, धूल की समस्या झेलनी पड़ती है, इसको लेके आपका क्या? जी मैडम, चंदासी एशिया की सबसे बड़ी कोल मार्केट है, और वहाँ जाम, झाम, गंदगी, भगवान जाने वहाँ काम करने वाले कैसे रहते हैं। और मैंने बीच में सुना था कि भाजपा की डबल इंजन की सरकार ने वहाँ फ्लाईओवर पास किया है, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला। अब एक तो सीसी ढाली जा रही है अगले बगले। मेरा ये मानना है कि उस समस्या का समाधान दुलहीपुर के आगे से लेके, और गंजी यादव जी जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनकी मूर्ति लगी है उसके आगे तक एक फ्लाईओवर पुल बनना चाहिए, ताकि यातायात की व्यवस्था मुगलसराय की भी ठीक हो जाएगी, चंदासी की भी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। और यदि कांग्रेस की सरकार आई तो चाहे हमारे यहाँ जनप्रतिनिधि कोई हो हमारे दल का, अगर और अगर हमारी सरकार आई है तो हम लोग इस दिशा में निश्चित रूप से प्रयास करेंगे। अच्छा, 20 लाख सरकारी नौकरियां कांग्रेस पार्टी का दावा है, तो क्या यह सिर्फ चुनावी चर्चा है? जी नहीं, कांग्रेस उतना ही कहती है। अगर कांग्रेस को कहना होता झूठा तो हम बहुत झूठ बोल के मोदी जी की तरह
आगे बढ़ जाते और सरकार पा लेते। हम उतना ही कहेंगे, हमारे नेता उतना ही, हमारा मैनिफेस्टो उतना ही कहेगा जितना हम कर सकते हैं। और 20 लाख सरकारी नौकरियां इस सरकार के पास खाली हैं, हम उनको भरेंगे, कहीं से ले आके नहीं उनको देना है, वो है। और उसके लिए आप हमारा वो युवा विधान पढ़ लीजिए, उसमें एक एक लाइन क्लियर किया है प्रियंका गांधी जी ने कि कैसे किसको क्या देना है। देखिए छत्तीसगढ़ में हमने कहा कि हम 2600 का धान खरीदेंगे, गेहूं खरीदेंगे, गोबर खरीदेंगे, तो हम 2600 का धान गेहूं खरीद रहे हैं और 3 रुपया किलो का गोबर भी खरीद रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा क्रय मूल्य पे छत्तीसगढ़ में धान गेहूं खरीदा जा रहा है और लोगों का वहाँ बिक रहा है। तो हमने वहाँ कर्ज माफ़ी की बात हमने किया तो हमने कर्ज माफ़ किया। हमने यहाँ भी कहा है कि हमारी सरकार बनेगी तो किसानों के कर्ज माफ़ होंगे, बिजली बिल हाफ होंगे, 20 लाख रोजगार मिलेंगे, आशा बहन आंगनबाड़ी बहन को 10,000 रुपया मासिक मिलेगा। हमने तमाम घोषणाएं किया, हमारे पास अलग है, हम आपको कभी ले आए कि दे देंगे उसको, आप उस पर अध्ययन करिएगा, फिर उस पर सवाल पूछिएगा हम लोगों से। लेकिन हम उतना ही कहेंगे, हमारी नेता उतना ही कहेंगी जितना हम कर सकते हैं। हम 15 लाख का जुमला, 2 करोड़ की नौकरी, गैस सिलेंडर, पेट्रोल आज कहाँ गया? उनकी किस्मत से पेट्रोल डीजल के दाम कम होते थे ना मोदी जी के, वो कहाँ गया? आज पेट्रोल डीजल हमको आपको खरीदना दूभर है। और बीतने दीजिए इस चुनाव को, इस चुनाव के बाद 150 रुपया पेट्रोल हो जाएगा। अगर ये हार गए तो ठीक, और नहीं हारे मान लीजिए, भाई देवे हार तो रहे ही हैं, तो ये कहाँ जाएगा आपको अंदाजा नहीं है। ठीक सर, मेरा अगला प्रश्न आपसे, प्रधानमंत्री पंजाब गए, काफ़ी असहज महसूस किए, इस पर आपका क्या कहना है? प्रधानमंत्री जी इस देश के प्रधानमंत्री हैं और उनको अगर अपने देश में असहजता महसूस हो रही है, असुरक्षा महसूस हो रही है, तो उनको तो इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी बड़ी रैली संबोधित करने गए लेकिन भीड़ मिली 700, उड़ना था चापर से नहीं थी, तो भैया कुछ ड्रामा होना चाहिए ना, आपके मीडिया में कुछ आना चाहिए कि प्रधानमंत्री का चले 2-4 दिन जो उनके समर्थित मीडिया वाले हैं उसमें, तो इसके लिए उन्होंने एक ड्रामा क्रिएट किया और प्रधानमंत्री जी अपने देश में असहज हो गए। पंजाब पाकिस्तान को बिना बताए चले गए, बिरयानी खा के लौट आए, आम दे के लौट आए, साल दे के लौट आए, तब असहज नहीं महसूस किए। तो ये प्रधानमंत्री जी ड्रामेटिक हैं, इनको ड्रामा अच्छा था, क्योंकि आरएसएस में ड्रामा ही सिखाया जाता है और झूठ बोलने की वो पाठशाला है। वहाँ न कोई हिंदुत्ववादी है, न कोई हिंदू राष्ट्र है और न कोई राष्ट्र धर्म है, इसलिए वो कहीं असहज असहज नहीं थे, वो एक ड्रामा था, चूंकि उनकी रैली फ्लॉप थी। आपकी मीडिया में खबर चले, लोग उनको 2 दिन सुने, उनके बारे में जाने, और उन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया, उन्होंने तो हमारे मुख्यमंत्री माननीय चन्नी जी का तो और क्रेज बढ़ा दिया पंजाब में, और हमारी सरकार लौट आएगी, हमारी तो प्रचार प्रधानमंत्री जी ने ज़्यादा कर दिया। चलिए मेरा आखिरी प्रश्न आपसे, आपको क्या लगता है कि इस चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा, हम ये कहेंगे कि हमारी सरकार बननी चाहिए, अगर नहीं बनी तो मेरे बिना सरकार नहीं बनेगी, ये बात तय है, ये बात तय है कि प्रियंका जी के बिना सरकार नहीं बनेगी, कांग्रेस के बिना किसी की सरकार इस बार नहीं बनेगी। और लड़की हूँ लड़ सकती का नारा, 40% आपके महिलाओं की शक्ति, 50% जो आधी आबादी है वो प्रियंका जी के साथ खड़ी है। इस देश का पढ़ा लिखा नौजवान, युवा, बेरोजगार, छात्र, लड़कियाँ प्रियंका जी के साथ खड़ी हैं। आपने देखा मैराथन, कितनी सफल मैराथन हमारी हुई, हम लोग भी कराते हैं मुगलसराय में, लेकिन कोरोना से बंद हो गई, नहीं तो हम लोग भी अपने इस ज़िले में मैराथन कराते। तो मैराथन की सफलता ही बता रही है कि अंडर करेंट है इस देश में और प्रदेश में, और 4 जगह तो ये गए, अब यहाँ बचा है, यहाँ भी जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बीसी खबर के स्टूडियो में।